इस वाइज मेरे को दिखा रही मेरे को क्या भाई बेंच देख कर सामने कर रखा है सभी तो करा अब जैसे वो था क्या नाम है उन सर का उनने सब करा दिया तेरे को नहीं आया यार लोस किसको क्वेश्चन बोलो एग्जांपल है ना वो एक्सरसाइज कौन सी है 2.2 3 हाँ एग्जांपल बोलो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 ठीक है सबसे पहले देखो अब यहां पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू माइनस 5 और c इज इक्वल टू 6 ये होता है क्लियर है इसको भी डाउट पहला पॉइंट क्या होता है a इंटू c यानी कि 1 इंटू 6 कितना हुआ इसके दो हम ब्रेक करेंगे हमको 5 चाहिए 3 और इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 6 और प्लस करेंगे क्या जाएगा हो गया हमारा पर्पस सोल्व क्योंकि कितना हमारा 5 आगे y स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन 3 एंड 2y प्लस 6 इक्वल टू बीच में कौन सा सेकंड लगेगा ये प्लस ठीक है y स्क्वायर यहां कौन सा साइन है 3 के आगे 3 के आगे और उसके ब्रैकेट के बाद माइनस प्लस माइनस 3 टू वाई क्या जाएगा 3y ये प्लस है ये माइनस है प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस है ना ये माइनस 2 इंटू वाई क्या जाएगा 2y प्लस 6 ठीक है फिर ग्रुप इनका और इनका फर्स्ट वाले में क्या कॉमन दिख रहा है आपको y वेरी गुड 2y में से y कॉमन चला गया कितना बचा ये प्लस और ये माइनस है प्लस माइनस यहां से कितना बचेगा से ओनली 3 क्योंकि भाई तो बाहर निकल गया कितना बचा अगर यहां वाई माइनस थ्री तो मुझे यहां पर भी क्या चाहिए कॉमन सेंस लगाओ यहां पर मुझे वाई लाना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से प्लस से या माइनस से यहां क्या चाहिए प्लस चाहिए या प्लस चाहिए ये माइनस है या माइनस होगा तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा यहां क्या ले लूं मैं हो गया क्लियर 2 से क्लियर हो गया भाई आ गया 6 कितना आएगा 6/2 कितनी बार है 3 साइन कौन सा आएगा यहां है प्लस यहां है माइनस प्लस माइनस हो गया क्लियर एक आया आपका वाई माइनस टू एक आया वाई माइनस दैट इज अ फैक्टर क्लियर अप कोई डाउट श्योर नोट करो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है आपको फैक्टराइज करना मतलब इसका फैक्टर निकालना आपका जो फर्स्ट फैक्टर होगा कौन सा फैक्टर फर्स्ट फैक्टर उसके लिए आपको ट्रायल एंड एरर गेम खेलना पड़ेगा क्या खेलना पड़ेगा मतलब हमें एक्स की वैल्यू वो रखनी पड़ेगी जिससे इस पूरे की वैल्यू क्या जाए चल है जीरो आ जाए वो एक्स इक्वल टू जीरो भी हो सकता है एक्स इक्वल टू वन भी हो सकता है एक्स इक्वल टू माइनस वन भी हो सकता है एक्स इक्वल टू टू भी थ्री भी फोर भी वो अपने पर डिपेंड करता है कॉमन सेंस है एक्स इक्वल टू अगर मैं जीरो रखूंगा तो सब जगह जीरो आ जाएगा लेकिन यहां पर जीरो नहीं आएगा तो इसका मतलब तो वो तो जीरो होगा नहीं तो एक्स इक्वल टू जीरो लगने से कोई फायदा है अगर मैं यहां रखू एक्स इक्वल टू क्या पुट द वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है क्या आ जाएगा पी वन तो यहां आ जाएगा आपके पास 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस
ठीक है, वन का क्यूब कितना आएगा, माइनस टू वन का स्क्वायर, ये माइनस वन है और ब्रैकेट में कौन सा वन है, प्लस या माइनस, ब्रैकेट में तो प्लस माइनस वन और प्लस, ठीक है, वन टू इंटू वन क्या आएगा, माइनस टू, माइनस वन प्लस टू, प्लस टू से माइनस टू कैंसिल, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, क्या होगा, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन का मतलब होता है एक्स माइनस वन, वो फैक्टर क्या लगता है, अभी हमने जब वन की वैल्यू रखी थी कैसे करें, एक्स वन को इधर लिखे तो प्लस आता, अभी तक आपने जो वैल्यू रखी थी एक्स की वो कैसे रखी थी, एक्स माइनस वन तो फैक्टर है तो हम वन को क्या करते थे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो अपन ट्रांसफर करते थे, यहां पर मैं रिवर्स है, यहां फैक्टर निकाले वहां फैक्टर दिया हुआ, इसका मतलब एक्स माइनस वन एक फैक्टर है, लेकिन अभी इस एक फैक्टर से काम नहीं हुआ क्योंकि इतनी बड़ी आपकी इक्वेशन दे रखी है, और भी फैक्टर बनने वाले हैं, अब वो फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा, अब वो फैक्टर निकालने के लिए बुक में दो मेथड, बुक में कितने मेथड है, दो पीछे दे रखे, मैं आपको करूंगा किससे, पहले तो आप मैं इस एक्स माइनस वन को इसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा, उसके बाद जो वेरिएबल है उसके मैं फैक्टर्स बनाऊंगा, जो भी हमने समझे फैक्टर बनाना वैसे हमको करना है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन, डिवाइड इक्वेशन बाय फैक्टर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस, ठीक है, मैं क्या करता हूं यहां कर रहा हूं, देखना ही एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन, ध्यान रखना नोट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, जो जो मैं मेरे वर्ड्स बोल रहा हूं उसमें बहुत ध्यान देना, बिकॉज मेरा एक एक वर्ड इस डिवाइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझने के लिए ध्यान उधर मत, आप देखो आपको क्या गिवन है, एक्स माइनस वन, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, एक्स, ये जो एक्स माइनस से डिवाइड करना है, इस एक्स के ऊपर पावर है या नहीं है, यस और नो, तो हम क्या मानेंगे, पावर नहीं है तो एक्स की पावर जीरो मानेंगे, ये कंसेप्ट रॉन्ग है, जब एक्स के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता है तो ऑलवेज एक्स जो पावर है, एक्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है, यानी कि एक्स की पावर ऊपर अभी कितनी है, क्या है अभी एक्स की पावर ऊपर, एक रूल ध्यान रखना, क्या रूल होता है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था लास्ट क्लास में भी, व्हेन बेस इज सेम देन पावर विल बी एडेड, पावर विल बी, जब आपकी बेस समान होगी, बेस आपका इक्वल है तो पावर आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी आपस में, जैसे आपको यहां एक्स की पावर वन है और आपको कितनी पावर चाहिए, तो मैं और इसके ऊपर कितनी पावर ले लूं कि मेरे थ्री आ जाएगा, यानी कि ये जो एक्स की पावर वन है इसको मैं मल्टीप्लाई करूं एक्स की पावर, तो बेस सेम हो गया तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, या सुनो अभी जो समझाया मैंने, तो क्या हो गया यहां पर एक्स की पावर, अब जब इससे ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ है तो ये तो पूरा एक साथ है या नहीं है, तो इससे भी मल्टीप्लाई हो, या माइनस साइन है और एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा साइन है, जैसे एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस वन आपने अभी एक्स स्क्वायर को इससे तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब इससे भी तो करना पड़ेगा, इस एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा साइन है, प्लस है या माइनस साइन है, कौन सा साइन, प्लस, ऊपर कौन सा साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहां है वन और यहां है एक्स स्क्वायर, वन को मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, वन को एक्स स्क्वायर से,
कॉमन सेंस लगाओ। x स्क्वायर व्हेन 1 इज मल्टीप्लाई बाय when 1 is multiplied with any value, no value will be changed. 1 को किसी भी value से multiply करो, value change? नहीं. Clear यहाँ पर? When 1 is multiplied with any value, no value will be changed. जब हम 1 को किसी वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू चेंज, तो मैं ये एक्स स्क्वायर या माइनस था या प्लस या माइनस है, प्लस माइनस, लेकिन एक्स स्क्वायर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? तो मैं क्या लिखूं? क्लियर विद आउट थिंग एक्स स्क्वायर, तो मैंने यहां क्या लिख दिया आपका? एक्स स्क्वायर बोलो, एक्स स्क्वायर के आगे जो फूल बता रहा हूँ सर, ये तो अभी हम लोग क्या अपन क्या करते हैं, हमेशा जो अपन डिवाइड करते हैं तो प्लस माइनस करते हैं तो वो उसका रोल है। अभी हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। अभी हमारा टारगेट क्या था? सिर्फ फर्स्ट वाली वैल्यू को इक्वल करना। अभी सेकंड वाली वैल्यू को इक्वल करना हमारा टारगेट नहीं। ये भी प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस कैंसिल हो जाता है पक्का। प्लस 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 होता है, प्लस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो कैंसिल कैसे हो? हम लोग जब डिवाइड सीखते हैं तो क्या करते हैं? 4 माइनस 3 करते हैं ना नीचे, तो यहां अगर दोनों प्लस है तो पॉसिबल है। फिर तो क्या हो जाएगा? यहां नीचे साइन क्या कर दूंगा? यहां प्लस है तो मैंने क्या कर दिया, और यहां माइनस है तो मैं क्या कर दूंगा? ठीक है, स्कूल में चैप्टर हुआ कि हो गया क्या? चल रहा है, चल रहा है। तो मैं तुम जिस हिसाब से बात कर रहे हो तुम्हें स्कूलों को समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ क्यों अच्छे नहीं दे? देख यहां से एक आंसर, यहां माइनस है और यहां प्लस है, तो एड होगा कि माइनस होगा? जब साइन अलग होते हैं तो क्या होता है? माइनस होता है, और जो वैल्यू हायर है उसका साइन लग जाता है। यहां 2x स्क्वायर माइनस के और प्लस के कितने? x स्क्वायर कितना आएगा नीचे? 2x स्क्वायर है, उसमें से 1x स्क्वायर, x स्क्वायर के आगे कुछ भी लिखो, नॉर्मली नहीं खत्म, क्या आते हैं 1x स्क्वायर आते हैं, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चला गया, क्या बचा? 1x स्क्वायर, और साइन कौन सा लगेगा? प्लस। अभी मैंने क्या बताया? जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका साइन लगेगा, वैल्यू किसकी ज्यादा है तो उस पे आगे कौन सा साइन है? माइनस। ये अब हम डिवाइड में क्या करते हैं? एक वैल्यू उठा लिया, तो माइनस मैंने क्या उठा लिया? ठीक है, अब देखना yes. अब देखो आपके पास है एक्स माइनस वन, दोबारा आपको क्या चाहिए? एक्स की पावर, तो यहां कितनी अभी एक्स की पावर, तो टू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो यानी कि x की पावर 1 है, इसको मैं और किससे मल्टीप्लाई करूं? यहां कौन सा साइन है? तो मैं वो नीचे भी माइनस साइन लाऊंगा तब जाकर मैं नीचे प्लस करूंगा, यहां दोनों साइन सेम थे तभी तो मैंने नीचे चेंज किया, तो यहां पर भी ऊपर ये है तो नीचे भी वही सेम साइन चाहिए, तब जाके नीचे मैं साइन को कैंसिल कर सकता हूं। तो अब एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1 से कर दोगे, लेकिन माइनस जाने के लिए मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा? नहीं, वो तो है x पावर 1 x पावर 1 हो गया, आपको x पावर कितनी चाहिए? 2 चाहिए, लेकिन साथ में साइन कौन सा चाहिए?
तो मैं कौन सा साइन से मल्टीप्लाई करूं माइनस आएगा माइनस, यानी कि ये साइन तो प्लस है, इसमें तो अपन छेड़छाड़ नहीं करते, अपने को जिससे मल्टीप्लाई करना है उसमें हम छेड़छाड़ कर सकते, यानी कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस एक्स की पावर वन, तो ये कितना आ जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा इससे होगा या नहीं होगा, होगा ये माइनस और ये माइनस है माइनस माइनस एक्स का वन से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, यहां माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहां मैंने किससे मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स से किया, अब ये मैं साइन चेंज करूं प्लस और यहां प्लस और क्या साइन चेंज करूं कैंसल, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, क्या होगा जब साइन सेम होते तो वैल्यू क्या होती है, जब साइन सेम होते हैं तब वैल्यू जुड़ जाती है लेकिन साइन चेंज नहीं, जब साइन सेम होते हैं तब वैल्यू आपस में प्लस हो जाती है लेकिन साइन चेंज नहीं, क्लियर है यहां तक, और प्लस में क्या आएगा आप देखो मेरे पास x माइनस वन दे रखा है मुझे क्या चाहिए टू एक्स चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करूं टू एक्स आ जाएगा टू से, इस x को मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया टू एक्स, पर मुझे आगे क्या चाहिए तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि जो दे रखा है उसमें कोई चेंज तो माइनस टू एक्स हो गया, अब ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ या नहीं होगा, होगा कितना आएगा बताओ प्लस या माइनस प्लस, टू एक्स प्लस ये साइन माइनस है तो इसको क्या कर दू प्लस, और ये प्लस है इसको क्या कर दू, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल होते हैं नहीं होते, और यहां मैंने मल्टीप्लाई किया था माइनस टू से, ये भी कैंसिल आया जीरो, तो आपका इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, अभी इसके वापस हमें फैक्टर निकालने हैं जो अभी लास्ट वाले टॉपिक में पढ़े थे फैक्टराइजेशन करके, यहां तक क्लियर हुआ भाई, यहां तक ये तो आपका फैक्टर बन गया कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मेन इसकी बात है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ए कितना है कुछ नहीं लिखा, और बी कितना होगा प्लस या माइनस, और सी कितना होगा, पहली स्टेप क्या होती है ए टू सी यानी कि वन इंटू माइनस टू दैट इज माइनस टू, ठीक है यस, अब देखो ये तो टू आ गया आपका, अब इसको मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए बताओ क्या है सर, टू इंटू वन मल्टीप्लीकेशन करके कितना जाएगा, और टू में से अगर वन चला जाएगा कितना बचेगा, क्लियर है पक्का कोई डाउट नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन टू और वन और एक्स माइनस टू इक्वल जो बीच में कौन सा साइन करूं, एक्स स्क्वायर टू के आगे कौन सा साइन है और बाहर कौन सा है प्लस माइनस, टू एक्स टू इंटू एक्स माइनस वन और माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, क्या बोलना था उसमें क्या बचा एक्स टू में से वन चलाए कितना बचा वन, और यहां पर इसका मतलब मुझे यहां पर भी क्या चाहिए, क्या लू यहां पर वन एक्स है और एक्स चाहिए वन से डिवाइड कर दू वन से वन चलाए क्या बचा एक्स, या माइनस है या प्लस है साइन क्या लग जाएगा टू अपॉन वन, क्लियर, तो एक आपका बन गया एक्स प्लस वन, एक आपका बन गया एक्स माइनस
और एक ऑलरेडी पहले से था, ये तीनों आपके क्या हुए? आंसर देखो, इसके बीच में कौन सा साइन है? जब साइन नहीं दे रहा तो उसको मल्टीप्लीकेशन साइन, तो मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे नहीं हो सकते क्या? या x माइनस टू लिख देता हूं, या x माइनस वन और x प्लस वन, आप देखो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। पक्का? सेकंड वाला आपका आएगा।